नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी के दौरे पर आज दूसरा दिन है। आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और आज वो कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन वो करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 11:15 पर सब्जी मंडी किदवई नगर कानपुर में बाबा नामदेव गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे सबसे पहले, और इसके बाद वो करीब 12:15 प्लॉट नंबर 2 जूही साकेत नगर कानपुर में कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। उसके बाद 2:00 रेलवे मैदान निराला नगर कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित वो करेंगे। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक करीब 3:00 वो रेलवे मैदान से चलकर 3:20 पर चकेरी एयरपोर्ट कानपुर पहुंचेंगे, जहां से विशेष विमान के द्वारा नई दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे, और इस तरह से उनका ये 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। कल भी तमाम कार्यक्रम उन्होंने किए थे और आज एक बार फिर से कानपुर वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कल के जो कार्यक्रम थे वो लखनऊ में थे, लेकिन आज के जितने भी संभावित कार्यक्रम हैं उनके सभी के सभी कानपुर में हैं, जिसके बाद शाम को वो दिल्ली के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे।